हमीरपुर राजेंद्रा लोटस पब्लिक स्कूल अणु में पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस अवसर पर मैनेजिंग डायरेक्टर ने बच्चों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया और बच्चों को अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। नन्हे बच्चों ने बताया कि स्कूल में पर्यावरण बचाने के लिए जानकारी दी गई, बच्चों को पौधे लगाने के लिए बताया गया, बच्चों ने भी पेड़ पौधों के महत्व पर प्रकाश डाला। मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि बच्चों को पेड़ पौधों के प्रति प्यार बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने के लिए बच्चों को प्रेरित किया गया। इवेंट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम होती रहती है और हमारा इसमें मोटिव हमारे बच्चों के लिए यही रहता है कि जो चीजें हम किताबों में या जैसे सिखाते हैं उनको बच्चों को लर्न करवाते हैं वो ना करवा के उसी उन चीजों को प्रैक्टिकली हम करवाएं। तो आज का जो हमारा इवेंट है जिसमें हम बच्चों ने तैयारी करी है, उसमें हमारे इवेंट में हमारा जो मोटिव था कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनको कैसे बचाया जाए, पौधे जो हैं उनको कैसे लगाया जाए, उसके बारे में अवेयरनेस है जो हम कई दिनों से हमारे बच्चों को हम देते भी थे और साथ साथ में उन प्लांट से हमारे को क्या क्या बेनिफिट है और साथ में हमारा जो आज जो कंपटीशन उसमें बच्चों ने पॉट्स में उसमें सॉइल कैसे तैयार करनी है, उसको मैन्यूर कैसे तैयार करना है, इसमें हमने उनके जो हमारे जो वैज्ञानिक होते हैं उनकी भी हेल्प ली है, जो विशेषज्ञ होते हैं इस फील्ड के उनसे भी हेल्प ली है कि बच्चे कौन कौन से प्लांट्स जो है वो पॉट्स में लगा सकते हैं ताकि अपने आस पास भी ग्रीनरी रखें। तो इसलिए ये जो आज का इवेंट है बच्चों ने यही तैयार किया है और बच्चे अलग अलग से प्लांट्स पॉट्स अपने तैयार करके उन्हें प्लांट्स लगा के उस प्लांट्स के बारे में जानकारी, उसके क्या यूजेस हैं, उसको प्लांट्स को एक बच्चे की तरह किस तरह से हमें पालना है, ये सारी चीजें बच्चों को जो है अवेयर किया गया है और बच्चे बहुत अच्छी तरह से अवेयर है और मुझे लगता है कि ये बच्चे जो है प्लांट्स को अपना सच्चा दोस्त मानेंगे क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं ये वो वे जवान हैं जो हमें देते तो जिंदगी है लेकिन मांगते हमसे कुछ नहीं है। तो इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है, हमने बच्चों को यही सिखाया है कि इनको अपने दोस्तों की तरह पालना है, इनको सुबह शाम इनकी केयर करनी है, इनको देखना है और ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स जो है वो लगाने हैं। आज हमारे स्कूल में जो है प्लांट्स के बारे में बताएंगे और प्लांट जो है हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं क्योंकि प्लांट्स हमें क्या होता है ऑक्सीजन देती है। सो सभी बच्चे यहाँ डिफरेंट प्लांट्स लाए हैं और मैं आज लाई हूँ रोमानिया का एक फ्लावर है और इसका साइंटिफिक नेम है मैरिजा एफाइन अल्फा और ये ब्लूम करता है लेट विंटर सीजन में और अर्ली स्प्रिंग सीजन। थैंक यू। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जो पौधे होते हैं वो हमारे सच्चे मित्र होते हैं। हमारे स्कूल में हमें यही बताया जाता है कि किस तरह हमें अपने आस पास के वातावरण को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। जैसे एक पौधा होता है वो हमसे कुछ नहीं मांगता बल्कि हमें ऑक्सीजन देता है तथा हमें फल छाया लकड़ियाँ आदि प्रदान करता है। हम आज से यह कसम खाते हैं कि हम इन पौधों को घर में भी लगाएंगे तथा अपने आस पास के लोगों को जागरूक करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए तथा हम रोज़ इन पौधों को पानी देंगे। और तथा मैं अपने साथियों को भी बताना चाहती हूँ कि हमें पौधे लगाने चाहिए तथा इनको पानी देना चाहिए।